ये मंत्ररा देवता सही अभिष्ट देवता अर्थंती बुझियाला आ थरे को की कहबो ज्ञान आ जने को कोहा जने जत काम ऋषि यस्यां देवतायां आर्थवत्यम इच्छन स्तुतिं प्रजंकते तद्दैवतो शमन्त्रो भवति यार अर्थ एबे मो कहिली की जने को कोह

ତାପରେ ସେଟା କିଏ କହିବ କଣ ଏଇ କଥାଟା କହିବେ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଜଣେ କିଏ କୁହ ଏଇ କଥାଟା କେତେ ଥର କହିବେ तुम मैंने की कथा को कोई परिवार को तुम्हारे ऐतिहासिक कष्ट हो चुके हैं तेरे पाठड़ और पढ़ी वो पुण्य कुहा जानो क्यों मर लिख कुहा जानो कि कुहा नाले बंद कर। साउंड आ सोचे निहारिका निहारिका कुहा मो तो कहिबिनी तमे माने केमते बुझु छ बुझ केते थार कहिबि यतकाम यहाँ कामना करी यतकाम ऋषि ही जहाँ कामना करी ऋषि एथोर का लास्ट आउ मो कहिबिनी जे कह बुझले बुझ न बुझले नहीं, नहीं। काली थार आज पर्यंत तो एई गोटे लाइन मो कही चल छ यतकाम ऋषि ही यहाँ कामना करी यस्याम देवतायाम ज्यों देवतान आर्थपत्यम इच्छन मुँह यही पदार्थर अधिपति हुए बा मत पदार्थ मिलो बोली ऋषि स्तुति प्रजुक्त स्तुति प्रयोग प्रयोग बा स्तुति करती तत्दवत से ही देवता विशिष्ट स मंत्री से ही मंत्र अटे बुझला ऋषि जो देवता का कामना करी अभिलाष पोषण करी କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ଦେବ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ସେହି ଦେବତା ପରକ ଅଟେ କିଏ ଏବେ ଆଉ ଥରେ କିଏ କୁହ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଋଷି ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଅଭିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ଅଟେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ସେହି ମନ୍ତ୍ର ସେହି ଦେବତା ପରକ ଅଟେ ही मन्त्रवतापरक अटे अच्छा म आगको जि पानी रुच एव हि प्रायण अतीतरा अपिहिता अर्थ मन्त्रिक प्रायत किहित अर्थ मन्त्राको तुमे जति गएक संस्कृत र श्लो पढि तार अर्थ सहजले तोधगम्युम वैदिक मन्त्री बोधगम्य हे नै पि तो अपिहित पिहित शब्द अर्थ निरुद्ध बा पिहित म बन्द पिने तो मन्त्रर अर्थ समिति एम अभिधा मन्त्रर अर्थको बुझि पारि तम भित्रको जुन पर्व को अध्ययन को पर्ड ता भितर भित्रे को बुझ्नु पर्यो तेब मन्त्र अर्थ स्पष्ट हे रुख मन्त्रर से कहिले न तथा जजुमसी किंतु जजुहू मंत्र माने मान यकार नुहतं कहीं जजूह मंत्र को तुम्हें कौथे व्यवहार करुच जजूहू मंत्र को तुम्हें यज्ञ प्रयोग में व्यवहार करजु मंत्र ये नुहे कर से कर प्रकार यकार उचित विधि विनियोग इत्यादि जजुहू मंत्र मानपादित होती रुक्ष शब्द मुझे स्त्रीलिंग शब्द स्रक् शब्द भाया स्रक् मान कौन पे श्रक शब्द भलिया माला माला शोभनम शोभनम भेरी गुड तारु से ही रुक्मंत्र मान विज्ञाता सुक्मंत्र बुझापड़गले जजुंसी अभी विज्ञाता भवंती भा मु तुमको आरंभ कही चीजी जे रुक्मंत्र माने मान अधिकांश जगह जजुह मंत्र अधिकांश अने तुम्हें ऋग्वेदर मंत्र हि जजुर्वेदे रही समवेदर अथर्व बेदर मध्ये रही तणु जत तुम्ही रुग्मंत्र बुजिव तुमको जजु मंत्र बुझवापे की असुविधा होवनाही तस्मात रुचह एवस्कृती ववृती तणु तणु रुक् मंत्र को रखी, बा आधार करी एठारे मंत्र विभाजन कर है तेणु रुक् मंत्रन जहाँ जजुह मंत्र प्रजुज्य साम मंत्री प्रजोज्य एवं अथर्व मंत्र मंत्री प्रजुज्य तेब प्रथम लाइन ए लाइन सबू मन रहा जिते बोल्ड लाइन अच्छी सब लाइन मन रहा त्रिविधा त्रिविधा रुच है जहाँ बही निश्चित भाव रस्तमें बार बार कि कहली आधा रुचहा ताहा तिनी प्रकार रूक मंत्र तिनी प्रकार अटै ए एक जो लाइन रो हो होउची रूक म जो लाइन रो अर्थ पिले बार-बार कहउची तुम्हें तो मन दे कि सुनो मो नेक्स्ट क्लास रे पचारुची तुमे तो न कहि परले मो मोर कोन असुविधा हव तुमार असुविधा हव मो इतेथर कहिला पर भी तुमे जदी जानी परु न आउ मते पचारु न तहले तहा त्रिविधा ूमंत्र मे तिन प्रकार अटती बुजिला तहा त्रिविधा हा रुच मधिविच्छेद करेखल बहिरे संदी होईक लिखाईचे देख ता त्रिविधा हा ताहा ता रुचह रुक् शब्द मीचे स्त्री बहुवचन तणु त्रिविधा रुचः रुक्मंत्र मे तिन प्रकार अटंती बुजिला कण कण तिन प्रकार र? यार दुर्गाचार्य वृत्ति देख ताुच कौन कहे इति याचन सर्वेशु वेदेशु रुच सही जो कि रुक्मंत्र समस्त वेदर रही सर्वा अभी मान रुपमंत्र तुमको कहली प्रथमें रुक्मंत्र जजु वेदर मैं साम बेदर अच्छी अथर्वेदर अच्छी तेणु अन्य समस्त वेदर देखा जा सही रूपमंत्र मने तीन प्रकार अटंती अटती ए कथाकू एटी भाष्ये कुहागाला अपी त्रिविधा एवती तद्क्षकृता प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक चवगुडाक स्त्रीलिंग बहुवचन लेखाहीची रुचहका तर कण कण समने परोक्षकृता परोक्षकृत मंत्र प्रत्यक्षकृता प्रत्यक्षकृत मंत्र <laughs> एवं आध्यात्मिक एवं आध्यात्मिक मंत्र है तेणु मंत्र माने तीन तो प्रकार एडा प्रश्न रुच गतिविधा प्रश्न हो बा मंत्रा गतिविधा भी प्रश्न हो पाए तो केते प्रकार मंत्र ना परोक्ष प्रत्यक्ष कृता आध्यात्मिक कौन कौन मंत्र माने कत प्रकार पे मैंने मंत्र कत प्रकार कौन 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 कह शोभनम एक कथा सबुदिन मन रोक्षकृता प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक आमता देखा ता परोक्षकृत मंत्र क्या को कहती प्रत्यक्षकृत मंत्र क्या को कहती आध्यात्मिक मंत्र काक कहती परोक्षकृता प्रत्यक्षकृता है आध्यात्मिक आध्यात्मिक आध्यात्मिकला तीन प्रकार मंत्र परोक्ष परोक्षकृता एवं आध्यात्मिक देखो इति आर भाष्य देखो दुर्गाचार्य वृत्ति देखो

प्रत्येक लक्षण तो ब्रवीति प्रत्येक को लक्षण सहित कह जाऊ उदाहरण ही च दर्शयति दर्शयती उदाहरण सहित देख दि जामें गोटी गोटी कर देखा आर लक्षण कौन उदाहरण कौन परोक्षकृत मंत्र लक्षण कौन डेफिनेशन एवं तार उदाहरण एग्जांपल्स केमिति भावरे अमर वेदमान रु, करे रही छि से कथा कोवे दर्शई दिया जीव देखो प्रथम डेफिनेशन हो जे परक्षकृता कण तत्र परक्षकृता मोस्ट इम्पॉर्टन्ट पिला माने प्रश्न समस्ते ए लाइन मने रखिबो तत्र परक्षकृता कण कहउच कण कहउच कण कण का। कहउच

సత్వ ప్రధానాని నామాని హా భావ్రధాన ఆఖ్యాతం సత్వ ప్రధానాని నామాని భావ్రధానం ఆఖ్యాతం అగ్ ఆఖ్యాత జాలీతో తమ ఏటా బుజా భావప్రధానం ఆఖ్యాతం భావ్రధానం ఆఖ్యాతం సత్వ ప్రధానాని నామాని తేను ఆఖ్యాత శబ్దర అర్థ కిపార భావప్రధానం ఆఖ్యాతం भाव प्रधानम आख्यातम भाव प्रधानम आख्यातम भाव प्रधानम आख्यातम भाव माने जोटा भवनशील नाम प्रवाहशील घटनशील माने जोटा साध्य जोटा भाव प्रधानम आख्यातम ଆଖ୍ୟାତଟା ହେଉଛି ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଭାବ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ଆଖ୍ୟାତ କହିଲେ ଆଖ୍ୟାତ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଆମେ ଆଖ୍ୟାତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ହେଲା ଏବେ ମନେ ରହିଲା ଆଖ୍ୟାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଖ୍ୟାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବେ କହିଲି କ'ଣ ତୁମକୁ କ୍ରିୟାପଦ ଭାବ ପ୍ରଧାନ ଆଖ୍ୟାତ କ୍ରିୟାଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ କୁହ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କୁହ କ୍ରିୟାପଦ କୁହ संस्कृत रे अक्षत प्रयोगे तृतीया कोन अक्षत प्रयोग तृतीया क्रिया पद गोटे को हम कहू छी संस्कृत रे गोटे क्रिया पद को क्रिया पद एटा न है गोटे क्रिया पद को ह मुंड रे कोन धर छु कि रे सब हाँ कहीं गोटे ठीक के उत्तर दे पार ना गोटे सामान्य सामान्य कथा गोटे क्रियापद कह पठति शोभनम पठती, पठती, पठती।, पठती। क्रियापद बार, बार। ता मे संस्कृत र क्रियापद बोली कण क्रियापदक क्रियापद को संस्कृत पद बोली बोले पद चार प्रकार सुवंत पद तिवंत पद तुम्हाला उपसर्ग एवं अव्यय नाही निपात उपसर्ग हा তোমার পদ তুঙ্গন্ত পদ উপসর্গ এবং উপসর্গ এবং নিপাত এই প্রকারের পদ চারি প্রকার বলে জান পদ চারি প্রকার তা মনে রাখ তুমি সব কিছু মনে না কিছু মনে রেখো হ্যাঁ পদানি চতুর্িধানী नाम निरुक्त ही क्हाइ्र सब व्याकरण ही अच्छे ओडिया व्याकरण हाईस्क्रे पढ़ी हाँ प्लस टू रे संस्कृत व्याकरण भी कि पढ़िच प्लस थ्री तुम्हें पढ़िल ये कथ पढ़ला सामान्य कथा कहीपर न पदानी चतुर्विधानी पदानी चतुर्विधानी नाम आख्यात उपसर्ग निपात नाम आख्यात नाम आख्यातम, लेखी रखा पिला माने नाम आख्यातम, उपसर्ग हा, निपात च, निपात च, पद्ध केते प्रकार, एभी पच्चरा जीवू तुमको

एत समय कौन ये तो मैं बुझीपा ना कि प्रकार हाई पाकिल पाठ गुड़ाक हाई जा हाईस्कल व्याकरण बही अच्छी तुम संस्कृत मयूख भा, तो बही बा परवर्ती समय तुम सब कौन पढ़ा से अच्छी अरे से हाई स्कूल व्याकरण बहुत रखीचना कई সেই বইটা সেই বইটা যাই প্রতিদিন পড়িব আজ যেতে পড়াল চিহ্ন দিয়ে রাখব তা পর দিন তা পরি পড়ি পড়ি সেই বহু সারি পড়ি সারা পরে তার অনুশীলনী করি এবং পড়ি সারা পরে থরে পড়ি এমতি তুমি তোমার পিজি যায় সেই ব্যাকরণ বইটা পড় তুমি আউ অধিক ব্যাকরণ কে কিছু পড় না এই সেই বইটা কেবল হাইস্কুল ব্যাকরণটা কড় এই সামান্য কথাগুলা তুমি কেপার সেই সামান্য ব্যাকরণ যেটা যে তোমার কোয়া বেশ বা মূলদুয়া যদি না ताहले तुमे संस्कृत रे एमए कोण आउ किछि कर देले बे तुमरो संस्कृत हबनी सेहि तक जदि हेई थिबो ताहले सब हेई परबा आगु को बुतनो एटा सब दिन अभ्यास करी से बही खंडक पढियो मने रहिला संस्कृत हाई स्कूल व्याकरण बही सब दिन पढाबो नचे तुम कौटा स्त्रीलिंग कौटा पुंगलींग्लिबलिंग जापरबी क्रियापद काक कहते सुबंत पद क सुबंत को कौन कहते तींगत को कौन कहते का 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 तुम्हें कहींपर नाम को सुबंत पद कहते आख्यात को आख्या तो तिंगंत कहते तुम्हें विशेष एम विशेष पद इंग्राजी से जो मानक नाउन्स कह नाउन्स प्रोनाउन्स एम हो समे आख्यात सब जेने समस्त होंगे क्रियापद तीवंत तो पद आम संस्कृत कहते पद इंग्राजी में भर्बस त यतिकि कथा तुमु म पढैवाक पर्व एठ छाडिक पाठ सब छाडिदेक या मत अच्छा त बहिको सबदिन पढिबा पद सुबन्तपद पद उपसर्ग एवं निपात म निपात म अव्यय पद से कभी भी कह पड़ा मैंने उपसर्ग को आम कौन कहते प्रिफिक्स कहती निपात अव्यय पद अवयपद अवयपद मानक आम संस्कृत पाद पादपुराना कौन से निर्दिष्ट अर्थ रे भी व्यवहार होती कौटि निश्चितार्थक अव्यय पद कौटि निषेधार्थक अव्यय अव्यपद य भाव में आलंकारिक अर्थ अव्यय पद अव्यपद अवयपद मान प्रयोग संस्कृत होता है तेज अवयपद मानक बेदर ये निरक्तरे निपात अच्छा

जो पुरुषा व्यवहार करती संस्कृत कणपत पद मानाई कौन कौन पुरुष व्यवहार करती कौन कौन पुरुष व्यवहार करती आम शोभन हाँ अच्छा उत्तम पुरुष रद किए उत्तम पुरुष पद किए

तार अवशि आवशिष्ट से मान से सब प्रथम पुरुष करता है तेब प्रथम पुरुषर कर्ता अस्मत जुस्मत शब्द को छाड़ीदे आते सुबंतपद रस्त सुबंत सर्वनाम पद जेत पद जे सुबं जिते पद अस्मत जुस्मत शब्द यो भिन्ना सर्वाणी सुबंत पदानी प्रथम पुरुष कर्तृत्व कर्तात्व व्यवहे बुझेला जते सुबंध पद समस्ते प्रथम पुरुष कर्ता हो पारे तबे एठी जो कथा कह सर्वा भी ही नाम भी ही चुझिये जिते ना अच्छी जिते सुबं नाम बोली से सुबंध को निरुक्त निरुक्तकार मानते कहते तेणु जते सुबंत पद अच्छी शब्द रूप अच्छी तुम्हें कहपर एगुड़ाक धातुरूप शब्द रूप जिते शब्द रूप अच्छी ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ରୂପର ମାନେ ପଦମାନେ ସମସ୍ତ ବିଭକ୍ତିରେ ସର୍ବାଭି ହିଁ ନାମ ଭି ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ବିଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏହି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏହି ହେଇଛେ ଆଖ୍ୟାତ୍ୟ ଆଖ୍ୟାତ କହିଲେ କ୍ରିୟାପଦର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ସହିତ ଏମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଏ କଥା ଟେକ୍ନିକାଲି କୁହାଗଲା ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ତୁମେ प्रथम पुरुषर कर्ता एवं क्रिया मंत्र माने क्रियापन्ने तामाने हेर्छ परोक्षकृत मन्त्र बुझिपार अत्यंत सरल परोक्षकृत मन्त्रर कथा हां बा येशु प्रथम पुरुषस्य मन्त्रु प्रथमपुष क प्रथमपुष कर्तृप सर्वाभि विभक्तिभिः तथा प्रथम प्रथमपुष क्रियापदा ବ୍ୟବହୃତା ନିଶନ୍ତି ତେବେ ମନ୍ତ୍ରା ପରୋକ୍ଷକୃତା ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋତେ କୁହ ପ୍ରଥମ ପରୋକ୍ଷକୃତ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ପରୋକ୍ଷକୃତ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବା କହିଲି ଏବେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଉ କୁହ କୁହ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ପରୋକ୍ଷକୃତ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବା

प्रथम पुरुषा जे कर्ता अशी क्रिया नाही एमितीबी कर्ता कोणता करता कर्ता पद कर्तृपद व्यवहार होईन क्रियापद थि कोण क्रियापद थोड कर्तृपदि नव उभय कर्तृपद क्रियापदर प्रयोग तेव्हा तुमच्या कर्तृपद ने तुम्ही त्या ମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟାପଦ ନାହିଁ ତାକୁ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଅଧିଆହାର କରିକି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ବୁଝି ହେଲା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତାପଦ ବା କ୍ରିୟାପଦ ବା ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷକୃତ ମନ୍ତ୍ର ଏବେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବ ପରୋକ୍ଷକୃତ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ परोक्षकृत मन्त्र कहाँ बुझि बुझिहेला बुझिहेला हेणु तत्रोक्षकृता लन् मन लि ता त सरल रे गोट धाडी लेखि बुझि पार एउटा लनटा अहिले जास्कर तत्र परोक्षकृता सर्वाभि नामभि जुझे प्रथम पुरुष आख्यात सही लपरे कि यत्र जेसु मंत्रेसु यत्र कह्या दरकार नाही जेसु मंत्रेशु प्रथम कर पुरुषस कर्तृपदानी अथवा क्रियाप्रदा पदानी व्यवहृता सांगली ते मंत्रा परोक्ष प्रथा सरला गोटे लयन्रे मी लिखील ले की ना का पचारले पण कहब किंवा कहबन समस्त पाटी बंद करी कहुची बस लिखुच महा कुची

कर्तृपदानी क्रियापदानि च क्रियापदानि च क्रियापदानि च आऊ गोटे कंडीशन अच्छी तथा कर्तृपनी नामानिबा कर्तृपदनी कर्तृपनी नामान सर्वाभी विभक्तीभी खाली जे प्रथम एक बच्छन हे नाही ना द्वितीय तृतीयार्वाभि विभक्ति भी ही, विभक्ति भी ही, प्रयुक्तानि शंति, प्रयुक्तानि शंति, ते मंत्रहा, ते मंत्रहा

तेई मंत्र परोक्षकृत बुझिला एवं सब प्रथम पुरुष क्रियापद जो से माने परोक्षकृत किंतु एक मन रख मु कह प्रथम पुरुष क्रियापद राम हाँ कृष्ण हाँ गोविंद हाँ गोपाल हाँ जहा तुम्हें कह ए समस्ते होंगे प्रथम पुरुष कर्तृपद बुझेला केवल प्रथम पुरुष एक बचन रूप नुहे म कहि बाकोपाल मंदर से सिंहस जहाँ कह भी, भी? सं कहे बा फलात वृक्षात नीरात तो पर्वतात पंचमी गुहे बा यदि कह भी द्वितिया तृतीया चतुर्थी द्वितियावचन द्विवचन बहुवचन मरुद्भ्याम मरुद भी कहे आदित वैश्वेब जहाँ भी गुहे बा गुरण मधूना नदीना भी गुहे ଯାହା ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁ ବଚନ ମାନେ ତୁମର ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁ ସାତଟା ଯାକ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଏକବଚନ ଦୁଇ ବଚନ ବହୁ ବଚନରେ ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରେ ଯଦି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୁମର ସେହି ମନ୍ତ୍ର ସେ ମାନେ କାହାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ଯଦି ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପରୋକ୍ଷକୃତ ଅଟେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଏକବଚନ ଯେ ହେବ विभक्ति एकवचन जब दुव वचन हमें बहुवचन हम प्रथमा खाली हम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी हम ता नुहे बुझी उदाहरण देखिले तुम एक स्पष्ट भाव जानी पड़ो उदाहरण से तुमको प्रथमा ठार आरंभ कर सप्तमी पर्यंत उदाहरण पर्यतं देखे दियाक्षकृत मंत्र बोलिका से सातटा जाक उदाहरण तुमको बने रखाक पड़े पे बुझीला तेणु ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର କ୍ରିୟାପଦ ସେ କହିଦେଲେ ଏଥିପାଇଁ କହିଦେଲେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତୃପଦ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତୃପଦ କହିଲେ ତାର ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି କେବଳ ପ୍ରଥମ ଏକବଚନ ବୁଝି ହେଲା ତାପରକୁ ଆସ मन्त्रको देख आर आर दुर्ग वृत्ति देख तस्मित्रैविध्ये एउति प्रकार र कुगला हँ परोक्षकृत प्रत्यक्षकृत ए आध्यात्मिक यही तिन प्रकार परोक्षकृता रुचाउँ परोक्षकृत मन्त्रक एक्षणति एटा लक्षण हे जत्र

एक कथा मेनसन कराइज तुम्हें तो मैंने भल के मन दे कि मानने वृत्ति को भी पढ़ आख्यात तीन दस्य है आख्यात परीक्षार क्वेश्चि अब्जेक्ट टाइप आख्यात नाम किम कारण जहाँ वृत्ति अच्छी से पड़ सब तुम अब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आख्यात नाम कि आख्यात मैंने उत्तर कह तुम मैंने आख्यात नाम किम टिण, टिण, तिंगवंत आख्यात आख्यातस्य होची षष्ठी विभक्ती एकवचन उत्तर उत्तरमध्ये प्रश्न पचरा उत्तर उत्तरमध्ये षष्ठी विभक्ती एकवचन हव हला आख्यातस्य नाम कि आख्यातस्य नाम तिंग हां आख्यातस्य नाम तिंगवंत पदम समिती पचरा सर्वाभी नामभी

नामभी ही नाम सुबंतपदे ही नाम भी ही इत्यस्य अर्थः सुबंतपदे ही सुबंतपदे ही ता परकु उदाहरण में गोटी गोटी कर तद यथा तद यथा एतानि उदाहरणानि सप्तस्वपि विभक्तिषु आनुपूर्वी एव अनुपूर्व मे क्रमे क्रमश दर्शयती क्रमशः सातटा जाक विभक्तीर उदाहरण क्रमश दर्श द्याची तत्र तावत् प्रथम आयाम तणु तुम उदाहरण रे उदाहरण आनि बोलव उदाहरण उदाहरण बोले हे दुखवार शैलीमध्ये तुम्ही ठीक ठाक्या दरकार उदाहरण आनी रहिला उदाहरण रे नंबर ओन नंबर ओन होऊची प्रथमायाम बा प्रथमा विभक्त बा प्रथमा विभक्ते हे जहा करीपर प्रथमाया माने प्रथमा विभक्त्या हॅलो प्रथम विभक्तीर कोण उदाहरण इंद्रो दिव इंद्र ईसे पृथिव्या सबु उदाहरण माने पिला माने गोटे कथा निरुक्तर वैशिष्ट्य

ইন্দ্র ইন্দ্র ঈশে দীর্ঘ ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্য ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্য